Welcome back to channel. As promised in last video, in today's video I will cover the new ECU update which I updated on my bike, and also I will provide an update on my upcoming ride which is going to start on tomorrow. So today is 1st of March and tomorrow is 2nd of March. So first let me discuss about new ECU update which I got updated on my RR310. So agar new update ki baat kare to approximately around 1 saal ke baad TVS ne न्यू ECU अपडेट लॉन्च किए बाइक के लिए. वो अपडेट इंस्टॉल करने के बाद आई मस्ट शेयर आइडल RPM जो है अब तक बहुत ही कम हो चुका है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द आइडल RPM बिफोर अपडेटिंग द न्यू ECU अपडेट. RPM after installing the new ECU update. Also, I will provide you the small video that how they update ECU on RR310 through this small video. So now let me give you feedback of this new ECU. So around 1 week ho chuka hai mujhe ECU update karne ke baad. So 1 week maine bike chalai hai. So jo changes mujhe feel ho raha hai, let me tell you. Normal aapne dekh liya bike ka jo idle RPM hai wo kam ho chuka hai. Because of that jo vibration hai handle bar ke upar se wo bahut kam ho chuke hai as compared to the previous update. So because of the idle RPM jo low ho chuke hai bike ke, so fuel economy bahut kam ho chuki hai bike ki. Now abhi fuel bhi bahut kam lag raha hai bike ko after updating the new ECU update. सो इस ECU अपडेट क्यों रिलीज किया था TVS ने, लेट मी टेल यू दैट. नॉर्मली बहुत सारे यूजर फीडबैक सर्विस सेंटर में यूजर दे रहे थे कि बाइक के ऊपर वाइब्रेशन बहुत है. सो आई थिंक उस चीज को एक्टिवाई करने के लिए TVS ने ये अपडेट दी है बाइक के ऊपर. सो बिकॉज ऑफ दैट आइडल RPM कम होने के बाद बाइक के ऊपर वाइब्रेशन बहुत कम हो चुके हैं. सो इतने वाइब्रेशन महसूस नहीं होते जब आप बाइक राइड करते हो. ऑल्सो ये भी रिस्पॉन्स मुझे मिला है, जब भी बाइक आप 6 RPM के ऊपर लेके जाते हो वाइब्रेशन आपके हैंडल बार को टैंक पे और सीट के ऊपर लगते हैं. तो पूरे वैनिश नहीं हो चुके हैं और वो वैनिश भी नहीं हो गए. एज दिस इज द ओनली वन सिलेंडर बाइक, वाइब्रेशन तो एक्सपेक्टेड है और वो रहेंगे ही रहेंगे. बट थम्स अप टू TVS, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ R&D कीप अस ओनर टू सेटिस्फाई विद दिस मशीन. सो गुड हैंड्स अप टू TVS. ऑल्सो ये भी रिस्पॉन्स मुझे आया बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स की तरफ से जिनके पास RR310 है. टॉप स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अचीव करने मिल रहा है अभी, और जो बाइक जो है वो 0 to 60 बहुत कम टाइम में अचीव कर रही है आफ्टर अपडेटिंग दिस न्यू ECU अपडेट. 6.5 hours later. सो जस्ट केम फ्रॉम ऑफिस. वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, आफ्टर अपडेटिंग यू ECU अपडेट ऑन योर बाइक आप एक प्रॉब्लम फेस कर सकते हो बाइक के ऊपर कि बाइक आपकी बंद पड़ने लगेगी. सो उसके लिए भी स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बाइक बंद पड़ रही है, मगर एक बार आप उसके साथ यूज्ड हो जाओगे तो बाद में आपकी बाइक बंद नहीं पड़ेगी व्हेन एवर यू आर राइडिंग. उसके एक ट्रिक देना चाहता हूँ, आई विल सजेस्ट यू व्हेन एवर यू फील्स कि अभी आप बाइक का स्पीड 15 या 10 की KMPH और उसके नीचे चलाने वाले हो, स्लो डाउन करने वाले हो, सो आई विल सजेस्ट यू यूज़ क्लच ऑफ योर बाइक. आई नो यूजिंग द क्लच इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय TVS, इट्स मेंशन इन द मैनुअल ऑफ RR310 दैट नेवर यूज क्लच मोर ऑन बाइक. बट इफ यू गाइज वॉन्ट टू अवॉइड स्टॉपिंग ऑफ बाइक इन मिडल ऑफ द रोड, आई विल सजेस्ट यू स्टार्ट यूजिंग क्लच. मैं तो ऐसे चला रहा हूँ, जब जब भी मुझे लगता है मैं बाइक अभी रोकने वाला हूँ या मेरा स्पीड लोअर होने वाला है सो मैं क्लच दबा देता हूँ, उसकी वजह से बाइक बंद नहीं पड़ती है. तो डायरेक्टली आप एक्सलेटर देके बाइक का स्पीड इंक्रीज कर सकते हो. इस वीक पीरियड यू कैन यूज दैट क्लच, नॉट मोर. जस्ट स्मॉल ट्रिक, इफ यू गाइज वॉन्ट टू फॉलो यू कैन फॉलो इट, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट, इट्स योर चॉइस. ऑल्सो आफ्टर अपडेटिंग न्यू ECU अपडेट इंजन भी बहुत साइलेंट हो चुका है, इतना नॉइज़ नहीं कर रहा है. तो ये सब अपडेट्स थी फॉर ECU अपडेट.
If you are having RR310, I will request you go with nearest service center and get your bike updated. I am sure 101% you will happy with this issue update. Because normal जो problem हम लोग को face हो रही थी vibration की वो बहुत ही कम हो चुकी है. I must say बहुत ही कम हो चुकी है. So जैसे मैंने video में बताया एक हफ्ता मैंने bike use की है और जो vibration है वो बहुत कम feel हो रहे हैं. So ये complete हो चुका है part 1 of this video for issue update. And now let me update you about my next ride which is going to start on tomorrow itself. Yes, I am riding to Rameshwaram, Kanyakumari and then I will try to do coastal ride through Kerala, Kochi, Mangalore, Udipi, Murudeshwar and then Maharashtra. Route to abhi tak mera fix hua hai. From Mumbai, I will go to Mangalore, then Rameshwaram, then Kanyakumari and then I will ride till Kochi. After that, riding from Kanyakumari to Kochi, I will decide my next path. Because bahut sare friends ne suggest kiya hai ki राइडिंग थ्रू केरला आप ज़्यादा स्पीड अच्छी नहीं कर पाओगे, आप बहुत टायर हो जाओगे बिकॉज करंटली क्लाइमेट चेंज हो चुका है. इट्स स्टार्टिंग ऑफ द समर कंडीशन, सो हीट भी ज़्यादा रहेगी. गूगल में पूछे कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर फ्रॉम कन्याकुमारी टू गुरुवायूर अपसाइड ऑफ कोची 10 घंटा बता रहा है. सो 400 किलोमीटर 10 घंटा, दैट मीन उससे आइडिया आ जाती है कि आप ज़्यादा स्पीड अच्छी नहीं कर पाओगे, बाय सिटी थ्रू आपको राइड करना पड़ेगा. लेट सी, अभी तक मैंने फिक्स नहीं किया है. अगर वो रूट मुझे टायरिंग करता है सो आई विल डाइवर्ट माई रूट टूवर्ड्स NH4 थ्रू कोयम्बतूर एंड देन आई विल कंटिन्यू फॉर हेड बैक टू महाराष्ट्र. बट अगर ये रूट अच्छा लगा, आई एम सेटिस्फाइड विद द सिनेरियो एंड ऑल दिस थिंग, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द कोस्टल राइड टिल उडुपी मैंगलोर. सो ये जो राइड है वो मैं करने वाला था लास्ट ईयर इन सेप्टेम्बर, मगर ड्यू टू ऑफिशियल वर्क और मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी एंड बुक पे बैकआउट कर लिया, तो उस टाइम मुझे राइड कैंसिल करनी पड़ी. मैंने तय किया था कि ये राइड तो करनी है बिकॉज रामेश्वरम कन्याकुमारी राइड शुड मस्ट बी कम्प्लीटेड. सो आई हैव डिसाइडेड दिस डेट एंड स्टार्टिंग ऑफ दिस मार्च. सो इस राइड में भी मैंने फ्रेंड्स को पूछा पर दे आर नॉट गेटिंग देयर लीव्स एंड हॉलीडेज, सो आई डिसाइडेड टू डू द राइड एट सोलो. बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया जब मैंने मेरी ये बात वाइफ से कही कि मैं आई एम गोइंग टू डू दिस राइड एज अ सोलो. सो उससे टेंशन आ गया तो वो बात करने लगी कि आई विल नॉट अलाउ यू टू गो सोलो because anything can be happen. I am aware that what she is going feeling through all about because she care about me, she care about family. But uske baad usne said kiya ki she is also going to join me for this ride. So maine bola not possible because is bike ke upar, you guys are aware, ye jo seat hai 200 plus kilometers ke upar ride karne ke liye bhi nahi hai pillion seat. And she is talking about around 4000 kilometers ride. But she is not getting angry, she is telling me that she is going to get comfortable, कुछ इशू नहीं आएगा एंड शी वॉन्ट टू बी विथ मी ऑन दिस राइड. मैंने बहुत समझाया, शी इज नॉट इन स्टेट ऑफ दैट लिसनिंग, शी स्टिल इंसिस्टिंग मी दैट शी वॉन्ट टू कम. बट अभी क्या करें, अगर वो इतनी इंसिस्ट कर रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता. आई हैव टू थर बट ड्यू टू दैट आई हैव टू टेक वेरी लेस लगेज विथ मी. शी इज गोइंग टू हैव अ स्मॉल बैक पैक ऑन अवर बैग, उसमें पहले मैंने क्लियर कर दिया शी शुड नॉट हैव हैवी लगेज विथ हर, जस्ट थोड़े से कपड़े लेने हैं दैट्स इट. मैं भी मेरा जो भी लगेज रहेगा टैंक बैग के ऊपर करूंगा, अराउंड 2 या 3 टी शर्ट्स और जो भी बाइक का सामान रहेगा, DSLR एंड प्लस लैपटॉप टू कॉपी माई एवरी डेज वीडियोज फोटोज. नाउ लेट मी शो यू व्हाट आर द चेंजेस आई हैव डन फॉर दिस राइड. तो मैंने इस सीट के ऊपर 3 लेयर चढ़ा दिए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है बिकॉज मोर देन 4000 किलोमीटर राइड करना इस सीट के ऊपर, आई एम नॉट स्टिल एग्री विथ दैट बट कुछ कर नहीं सकता. तो ये सीट भी मैंने मॉड की है, आप देख सकते हो एक्स्ट्रा कुशन डाल दिया है. इट्स 3 लेवर्स ऑफ सॉफ्ट कुशन इनसाइड इट. यहाँ पे भी सेम वैसे ही, जस्ट आई शोन इन लास्ट वीडियो आई हैव इंस्टॉल दिस मोबाइल चार्जर प्लस होल्डर, ऑल्सो आई हैव इंस्टॉल दी ड्वेल टोन हॉर्न्स, ऑल्सो दिस टाइम आई हैव इंस्टॉल द नाइट्रोजन एयर इन बोथ द टायर विच आर मस्ट फॉर मी फॉर दिस समर राइड बिकॉज कंडीशन हॉट होने वाली है. सो बिकॉज ऑफ दैट टू कीप द टायर कूल आई हैव प्रिफर टू गो विथ नाइट्रोजन एयर इन बोथ द टायर्स. ऑल्सो और कुछ मेजर चेंजेस नहीं है बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हैव फन विद दिस बाइक बिकॉज ऑफ द न्यू ईसीयू अपडेट. बाइक का माइलेज भी बढ़ने वाला है जैसे मेरे दोस्तों ने बताया, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट आई विल अपडेट यू इन व्लॉग्स ऑफ द कन्याकुमारी. सो फ्रेंड दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई जस्ट थॉट कि ईसीयू अपडेट के बारे में और मेरी अपकमिंग राइड के बारे में आपको बता देता हूँ. सो जब भी वीडियो देख रहे होंगे मेरी राइड ऑलरेडी शुरू हो चुकी होगी, सो डू प्रे फॉर मी एंड माई वाइफ फॉर दिस राइड. सो एनी हाउ इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड स्टिल यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम देन आई विल रिक्वेस्ट यू डू फॉलो मी ऑन इंस्टा फॉर द रेगुलर अपडेट्स ऑफ माई दिस माई बिग राइड. मेरे इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा रहता है,
यू कैन चेक इट आउट दैट एंड स्टिल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल सो सब्सक्राइब कर लो बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल व्लॉग्स आने वाले अपने चैनल के ऊपर सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ बाय बाय